कि हमारे कन्हैया कुमार जी अभी कह रहे थे कि मुझे कोर्ट से बेल मिली है, शायद उन्होंने ये बेल ऑर्डर ठीक से नहीं पढ़ा। पहली बात तो आपको बेल नहीं, इंटरिम बेल मिली है, दैट टू फॉर ओनली 6 मंथ्स। और अगर ये आप ऑर्डर पढ़ लेते थोड़ा सा, तो मुझे लगता है आपको शर्म आती बहुत ज्यादा अपने आप पर, कि आपको जज साहिबा कह रही है कि इन्फेक्शन की तरह ये डिजीज फैल रही है। और ये डिजीज क्या है? ये डिजीज है आप जैसे लोग जो यूनिवर्सिटी में अपेरेंटली पढ़ने आते हैं, लेकिन चंद प्रोफेसर की वजह से, जैसे उमर ने अपने भाषण में कहा कॉमरेड्स इन द फैकल्टी, वो जो कॉमरेड्स इन द फैकल्टी हैं जेएनयू में, और मैं बता रहा हूं उनकी संख्या बहुत कम है, अधिकतर जेएनयू के टीचर्स पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक कुछ कॉमरेड्स इन द फैकल्टी हैं जिनका काम सिर्फ नक्सली, माओवादी, देश तोड़ने वाले, देशद्रोही सेपरेटिस्टों को पैदा करना है, और आप जैसे लोग भी उनकी उपज हैं जो कि बातें कुछ और करते हैं और रियलिटी में कुछ और करते हैं। दूसरा, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जेएनयू के द्वारा बनाई गई, जिस हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ने यह कहा है कि कन्हैया कुमार वॉज प्रेजेंट, इस बात पे उनका उनको प्रॉब्लम है, उनको ये पता नहीं कि साबरमती ढाबे पे ज्वाइन कर लिया था या प्रोसेशन में ज्वाइन किया, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार वॉज प्रेजेंट एट दी स्पॉट। एंड ये सारे जो नारे हैं ये बहुत सारे जेएनयू के स्टूडेंट्स के द्वारा भी लगाए गए, ये इंक्वायरी कमेटी का कहना है, ये एबीपी का कहना नहीं है। तो इसलिए आप देश को बरगलाना और झूठ बोलना बंद कीजिए। आप कौन सी भुखमरी और गरीबी की बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में जाकर देखिए, जहां पर वाम मोर्चा की सरकार ने 35 साल तक राज किया, वहां पर देखिए कि गरीबों की क्या स्थिति आज। आपको गरीबी, सामंतवाद और ये सारे शब्द अब याद आ रहे हैं कि जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार बनी है, क्योंकि आपको आज 2G, 3G, जीजा जी, कोलगेट जैसे घोटाले नहीं मिल रहे हैं। आज आपको विरोध करने के लिए और बातें नहीं मिल रही हैं, तो आप शब्दावली खोज के लाइए, इंटॉलरेंट, इंटॉलरेंट। अरे ये देश तो कभी इंटॉलरेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देश तो एक्सेप्टेंस के सिद्धांत पर बना है। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर की उस भाषण में शिकागो में कहा था, वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन एज ट्रू। यानी कि ये तो भारत की संस्कृति है कि हम मानते हैं कि अलग अलग मार्गों से होते हुए भी एक ही भगवान तक, यानी कि एक ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। आप किसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि भारत में तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आप जिस विचारधारा से आते हैं, उस विचारधारा ने यूएसएसआर में कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी थी, उस विचारधारा ने चाइना में कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी है, देखिए तिब्बत के लिए किस तरह से मॉन्क्स मर रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि नक्सलवादी हमारे देश में बंदूक के दम पर लिबरेटेड जोन बना रहे हैं, नक्सलवादी हमारे देश के साथ लड़ रहे हैं, और माइंड कीजिए वो बीजेपी या एबीपी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, वो आरएसएस के साथ नहीं लड़ रहे हैं, वो इस देश के साथ लड़ रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान के द्वारा चलने वाले इस देश के साथ वो लड़ रहे हैं। और जब आप नारा लगा रहे थे, और जब ये लोग वहां पर, बाकी जो अल्ट्रा लेफ्ट के लोग जेएनयू में, जब वो नारा लगा रहे थे बंदूक के दम पर लेंगे आजादी, आप कहते हैं कि आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, और जिम्मेदारी आपने उस समय खूब निभाई कि वहां पर आप बाद में खड़े होकर आपने भाषण दिया तो एक शब्द में कंडेम भी नहीं किया कि इस प्रकार की नारेबाजी वहां पर हुई थी, वो नारेबाजी गलत है। इसलिए आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जहां तक बात रही पटियाला हाउस कोर्ट में जिन लोगों ने वायलेंस करी, उन लोगों को शायद थोड़ा सा राष्ट्रवाद सिखाने की आवश्यकता है, उन लोगों को इस देश के संस्कार शायद बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिले, क्योंकि ये देश सच में कम्युनिस्टों के कंगारू कोर्ट की तरह नहीं चलेगा, ये देश डेमोक्रेसी के आधार पर चलने वाला देश है, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, वी आर प्राउड ऑफ आवर जुडिशियरी। हमें विश्वास है, और आज भी इसलिए मुझे विश्वास है कि जब ये जजमेंट आएगा जिसमें कि आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है, तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आने वाली है, उसमें भी उन्होंने शायद लिखा भी होगा इन सब चीजों के बारे में। और अभी मैंने तो नहीं पूछा कि आपने लालू के पांव जाकर क्यों छुए, मैंने तो नहीं पूछा कि स्टालिन ने जो 60 मिलियन से ज्यादा लोगों की हत्या की उनकी जिम्मेदारी आप पर निश्चित रूप से है, लेकिन आपने ही कहीं ना कहीं उन बातों का उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन उस उत्तर से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, क्योंकि जब आप किसी विचारधारा के संगठन से जुड़े होते हैं और जब आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी और उस पॉलिटिकल पार्टी के विचार से भी जुड़े होते हैं तो उसकी कारगुजारियों से आप नहीं भाग सकते हैं। दुनिया भर में वामपंथ ने क्या किया इसके बारे में प्रश्न आपसे किया जाएगा, दुनिया में वामपंथ ने सिर्फ डिक्टेटर्स क्यों पैदा किए इस बात के बारे में आपसे प्रश्न किया जाएगा, दुनिया में जहां जहां वामपंथी पावरफुल हुए वहां वहां लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स क्यों छीन लिए गए इसके बारे में आपसे प्रश्न किया जाएगा, केरल में और पश्चिम बंगाल में
आरएसएस के स्वयंसेवकों से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को कैसे मौत के घाट उतारा जाता है उसके बारे में आपसे प्रश्न किया जाएगा। सिंगोर और नंदीग्राम में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किस प्रकार से लोगों का जेनोसाइड किया जाता है, किस प्रकार वहां पर आज तो यहां पर सब लोग मीडिया कवरेज कर रहे हैं, वहां पर मीडिया कवरेज नहीं किया करने दिया जाता है, इसके बारे में आपसे प्रश्न किया जाएगा। और जब आप गरीब और बहुत सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके लोगों को ठीक है बात करने की कोशिश करते हैं तो दुर्भाग्य ये होता है इस बात का कि आप हमेशा एक पक्ष पर क्यों बात करते हैं। आपको कश्मीर में ह्यूमन एट्रोसिटीज हो रही हैं, आर्मी एट्रोसिटी कर रही है, इसके बारे में आपने स्टेटमेंट भी दिया था, वो तो खुद दिखाई देता है, लेकिन पत्थरबाजी हो रही है, विदेशों से पैसा आ रहा है उसके आधार पर वहां पर पत्थरबाजी कराई जा रही है, ये आपको नहीं दिखाई देता। कश्मीरी पंडितों को वहां से मार मार के निकाल दिया गया, आज वो अपने ही देश में माइग्रेंट बनकर रह रहे हैं, कितनी बुरी स्थिति में रह रहे हैं, वो आपको कभी नहीं दिखाई देता। ये डबल स्पीक क्यों? आपको टेररिज्म कभी नहीं दिखाई देता, आपको आजादी अलग अलग चीजों से चाहिए, लेकिन आपने कभी नहीं कहा आतंकवाद से आजादी चाहिए, अलगाववाद से आजादी चाहिए, नक्सलवाद से आजादी चाहिए। और बहुत आप कई बार आप अचानक से वामपंथी बहुत फेमिनिस्ट हो जाते हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक की बात आते ही मुंह पे जिप लग जाती है, क्योंकि फिर कोई और पक्ष आगे आ जाता है। बहुत ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन फौजियों की और सीआरपीएफ के जो जवान नक्सलियों के द्वारा मारे जा रहे हैं उनके ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ताला लग जाता है। आपने कहा कि मोदी जी से मिलकर आते हैं, मैं तो आपकी बेसिक डेमोक्रेसी की समझ पर ही मुझे हंसी आती है, क्योंकि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, किसी देश का प्रधानमंत्री उस देश का प्रधानमंत्री होता है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, जितना अधिकार मेरा उनके ऊपर होगा उतना आपका भी है, आप भी जाकर मिलिए, मैं तो कहता हूं अपने अच्छे सुझावों को उनके सामने रखिए, लेकिन इंटेंशन सुझाव देने की या कुछ अच्छा करने की है ही नहीं, इंटेंशन तो सिर्फ अक्यूज करना है, सिर्फ आरोप लगाने हैं, सिर्फ उनके खिलाफ माहौल बनाना है, क्योंकि आपके जो विचार है वामपंथ का जो विचार और आपकी जो वामपंथी पार्टियां हैं, ये विचार जो जेएनयू की लाइब्रेरी में एक कोने में सड़ रहा है, दुनिया में यूएसएसआर से जिन किताबों को फेंक दिया गया, चाइना से जिन किताबों को आज फेंक दिया गया, वो किताबें यहां पता नहीं कहां कहां से किनारे से आप चुनकर लाए हैं, और उनके आधार पर जिस विचार को दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, जो कहीं नहीं चला, उस विचार को लेकर आते हैं आप और फिर दूसरे विचार के लोगों पर सिर्फ आरोप और आरोप। व्हाट इज योर मॉडल, व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, आप क्या मॉडल पेश करना चाहते हैं? डिक्टेटरशिप का मॉडल, स्टालिन का मॉडल, की लेनिन का मॉडल, की माओ का मॉडल, की बुद्धदेव भट्टाचार्य का, सिंगूर और नंदीग्राम का मॉडल, कौन सा मॉडल आप पेश करना चाहते हैं? ये सवाल से आप कितनी भी कोशिश कीजिए, कितना भी न्यूट्रल बनने की कोशिश कीजिए, आप नहीं भाग पाएंगे। और मैं तो कहता हूं देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी अगर जो कुछ अच्छा कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने की हिम्मत भी आप में होनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान, अगर देश में स्वच्छता होगी आपको कोई नुकसान हो जाएगा क्या? कोई अच्छा काम कर रहा है तो अनबायस तरीके से उसका तो समर्थन कीजिए। देश का दुर्भाग्य देखिए, आयरनी देखिए, नोटबंदी हुई, नोटबंदी से सामान्य जन कितना प्रभावित है, उसको मदद कितनी करनी है, अलग अलग स्टेट में और पार्टियों की भी सरकारें हैं, क्या वहां पे मैनेजमेंट करना है उसके ऊपर ध्यान नहीं है। 200 से ज्यादा सांसद संसद में धरने पर बैठे हैं, और क्यों धरने पर बैठे? कि भ्रष्ट हमारे जो काला धन है, हमारे जो 500 और 1000 के नोटों में काला धन चला गया वो रुकना चाहिए। अरे टेररिस्ट, नक्सलवादी, अलगाववादी, उन तक जो धन रुका नोटबंदी होने की वजह से, उसका आपने एक भी शब्द में उसका स्वागत नहीं किया, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और प्रश्न जो था कि एंटी नेशनल और नेशनल, देखिए हम लोगों ने 9 फरवरी को भी इस बात को कहा, 10 फरवरी को उसके बाद भी लगातार इस बात को कहा, कन्हैया कुमार जी तो वहां पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित ही थे। और जहां तक डेमोक्रेसी की बात करें, मुझे खुशी है क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी है, इसलिए कोर्ट डिसाइड करेगा। मैंने पहले भी कहा है कि हमेशा हम कोर्ट पर ही विश्वास करते हैं कि कोर्ट करेगा, ये कोई यहां पर नक्सलवादियों के कंगारू कोर्ट नहीं चलते हैं कि जहां पर एक लट डंडे के आधार पर कुछ डिसाइड होगा। लेकिन 9 फरवरी को जब देश विरोधी नारे वहां पर लग रहे थे, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, ऐसे ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण नारे जो भारत के इतिहास में शायद कभी कैंपसों में नहीं सुनाई दिए, इस प्रकार के नारे जब वहां पर लग रहे थे और आपने वो लगाए, आपने उन्हें रोकने का आपका कोई कर्तव्य नहीं रहा, उस कर्तव्य से जो भागने की आप कोशिश कर रहे हैं वो निश्चित रूप से गलत है। और जब हम नेशनलिज्म क्या है इसके ऊपर डिबेट हो सकती है,
आप भारत माता की जय बोलिए, आप वंदे मातरम बोलिए, आप भारत अम्मी की जय बोलिए, आप जय हिंद बोलिए, आप मत बोलिए कुछ भी, आप चुप रहिए, इसकी आपको पूरी आजादी है और भारत का संविधान हमें आजादी देता है। लेकिन आप भारत की बर्बादी की बात करेंगे तो ये एंटी नेशनलिज्म है, भारत को तोड़ने की बात करेंगे तो ये एंटी नेशनलिज्म है। और जब जब जिस जिस कैंपस में, जिस भारत के जिस भी कोने में, कहीं भी कश्मीर की आजादी के, भारत की बर्बादी के, भारत को तोड़ने के, भारत के टुकड़े करने के, आतंकवाद के समर्थन में, नक्सलवाद के समर्थन में, अलगाववाद के समर्थन में, कहीं भी चाहे सिर्फ नारेबाजी की जाए और चाहे उस प्रकार का कोई काम किया जाए, तो सीना ठोक कर एबीवीपी के कार्यकर्ता वहां पर खड़े रहेंगे उनका विरोध करने के लिए। चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में खड़े हो, चाहे जेएनयू में 30, 40, 50, 60 जितनी भी उस समय हमारी संख्या होगी, हम डटकर खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें गर्व है इस बात का कि हम भारत माता के पुत्र हैं। हमें गर्व है इस बात का कि हम इस भारत देश में रहते हैं जहां पे हमें सभी अधिकार मिले हुए हैं, जिसका अन्न और धन खा रहे हैं, जिस जो जो माता हमें पाल रही है, हमें निश्चित रूप से उसके ऊपर गर्व है। और हमारी तो संस्कृति रही है, अथर्ववेद में कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीया। हम क्यों ना, अगर हम अपने देश को, अपनी चाहे आप इसे जमीन कहें, चाहे सांस्कृतिक भूभाग को कहें, अगर हम उसके ऊपर गर्व करते हैं और उसको अपनी माता के रूप में सम्मान देते, तो आपको काहे बात की टेंशन, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही।